दोस्तों, आपके गूगल एडसेंस का CTR हाई हो चुका है और आप टेंशन में आ चुके हैं कि आपके गूगल एडसेंस का जो CTR है वो हाई होने की वजह से आपका एडसेंस अकाउंट डिजेबल ना हो जाए। आपके 1 साल की 2 साल की जो आपने अपने यूट्यूब चैनल पर मेहनत की है कहीं वो बर्बाद ना हो जाए और आप अपने एडसेंस अकाउंट के CTR को मेंटेन करना चाहते हैं, उसे कम करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको दोस्तों कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि जिसके ज़रिए दोस्तों आप अपने एडसेंस अकाउंट का जो CTR है उसको कम कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ तौकीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऐप हाउस। आपको मेरे इस चैनल के ऊपर यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड प्लस टेक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारे एडसेंस का CTR हाई हो गया तो उससे क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, इस पर एक्चुअली मैंने 2-3 वीडियो बना के रखे हैं कि अगर हमारे एडसेंस का CTR इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से हाई होता है तो फिर दोस्तों हमारा जो एडसेंस अकाउंट है वो टेम्पररी या फिर परमानेंटली डिजेबल हो सकता है। अब ये इनवैलिड एक्टिविटी क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि इनवैलिड एक्टिविटी मतलब ये कि हमारा चैनल मोनिटाइज होने के बाद हम हमारे वीडियोस को अपने ही मोबाइल पर देखते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू हम दोस्तों व्यूज़ को बढ़ा रहे हैं ताकि व्यूज़ इंक्रीज होंगे तो हमारी अर्निंग ज़्यादा होंगी, तो यह दोस्तों इनवैलिड एक्टिविटी कहलाती है। अगर इसके वजह से आपका एडसेंस का CTR हाई होता है तो फिर दोस्तों आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप इस तरह का कोई भी काम नहीं कर रहे और नॉर्मली ऑर्गेनिक वे से अगर आपके एडसेंस का CTR हाई हो रहा है तो इससे कोई भी डरने की बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चाहे फिर वो एडसेंस का CTR कितना भी हाई हो जाए, आपके एडसेंस अकाउंट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। लेकिन इनवैलिड एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मेरा भी जो एडसेंस का CTR है वो 20 तक के गया है, हमेशा 15 से लेकर 20 के बीच में रहता है, लेकिन अभी तक के मेरे एडसेंस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है क्योंकि मैं इनवैलिड एक्टिविटी नहीं करता हूँ। मेरे उसके ऊपर जो भी CTR है होता है वो दोस्तों जेन्युइन तरीके से ऑर्गेनिक वे से ही होता है। अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि हम हमारे एडसेंस का CTR कैसा चेक करें, क्योंकि अभी जो अपडेटेड एडसेंस दोस्तों जो आया है उसके अंदर हमें CTR चेक करने की कहीं भी दोस्तों हमको सुविधा नहीं है। लेकिन दोस्तों इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप किस तरह से एडसेंस का CTR चेक कर सकते हैं दोस्तों घर बैठे अपने मोबाइल के अंदर। तो इसकी लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी इस वीडियो की, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इनवैलिड एक्टिविटी क्या है, किस तरह से हम अपने एडसेंस को प्रोटेक्ट करें, इसका भी वीडियो दोस्तों मैंने बनाया है, इसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको मेन मुद्दे की बात बताता हूँ कि अगर आपके मन में फिर भी कंफ्यूजन है कि भैया एडसेंस का हमारा CTR हाई हो चुका है तो हमें उसे कम करना है, मेंटेन करना है, तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ दोस्तों कि एडसेंस का जो CTR है वो अगर 10 के अंदर रहा तो फिर ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर 5 तक रहा, 6 तक रहा, 7 तक रहा तो कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप 10 के ऊपर है और आप उसे कम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप कुछ ही देर में अपने एडसेंस का CTR जो है उसको लो कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको आपके YT स्टूडियो के अंदर आ जाना है और वहाँ पे दोस्तों आपको ये चेक करना है कि लास्ट के 48 आवर्स के अंदर आपके जो वीडियोज है ऐसे वीडियोज के जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं तो उन वीडियोज को दोस्तों आपको ओपन करना है, उनके एडिट ऑप्शन में जाना है, उनके मोनिटाइजेशन के सेक्शन में जाना है और मोनिटाइजेशन के सेक्शन में जाने के बाद में आपको दोस्तों उसके अंदर जो स्किपेबल एड्स होती है, सबसे पहला ही ऑप्शन होता है स्किपेबल एड्स का, तो उस स्किपेबल एड्स को आपको ऑफ कर देना है। हाँ दोस्तों, आपको आपके जो टॉप के वीडियोज़ है जो इनके ऊपर 48 आवर्स में सबसे ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं उन वीडियोस के आपको जो स्किपेबल एड्स है उसको ऑफ कर देना है। आपका CTR ऑफ करके दोस्तों उसको उस सेटिंग को सेव कर लेना है और उसे कम से कम 1 से 2 दिन के लिए दोस्तों उसे एज इट इज रहने देना है। तो फिर आप देखोगे दोस्तों कि आपके एडसेंस का जो CTR है वो बिल्कुल दोस्तों लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो मेंटेन हो जाएगा। ये सेटिंग आपको कर लेना है दोस्तों, तो इस सेटिंग से आपके एडसेंस का CTR बिल्कुल दोस्तों कम हो जाएगा। या फिर आपने दोस्तों अभी लेटेस्ट जो वीडियो अपलोड की है उन पे भी अगर आप बहुत ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं अभी लास्ट के 24 या 48 आवर में, तो उन वीडियोस के भी स्किपेबल एड्स को आप ऑफ कर दो। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।